तो मैं इनको बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये अलग अलग माँ अलग बाप अलग बेटा अलग है। अभी भारतीय जनता पार्टी में सबसे बढ़िया जॉइंट फैमिली और पिछले लगभग 100 सालों से चल रही है। बाकी फैमिली सामने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, बिगड़ नहीं जाता आदमी सामने कोशिश करते थे, पर केदार जी बिगड़े नहीं। इन्होंने मुझसे की से का करो, अब जब इन्होंने पूरी तैयारी कर ली के लिए इच्छा करेगा, गिरी जोशी भी करेगा और प्रताप गोविंद भी करेगा। मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों ने राज्य मंत्री से राज्य मंत्री के पति से पूछना चाहिए और वो क्या कहते हैं उसके बाद तो हम कुछ कहेंगे। अब राज्य मंत्री के पति का और उसकी मैं जिम्मेदारी कहाँ का किसके से मंत्रियों के पतियों के पुत्रों की जिम्मेदारी मैं लूँगा। अगर मुझे ऐसे पति और पत्नियों की जिम्मेदारी लेनी होती तो वैसे ही मैं भी कर लेता है ना, इसलिए किसी के पति और किसी की पत्नी की जिम्मेदारी मुझसे मुश्किल क्यों डाल रहे हैं। हरीश रावत जी बड़ी सेकी बगाड़ रहे हैं, 46,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए और कह रहे कि मैं 550 करोड़ रुपया छोड़ के गया, तो अगर 550 करोड़ रुपये में से 46,000 में से 550 घटा दो तो कितना छोड़ के गए वो, इसका मतलब यह कि 46,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए ना। तो इसलिए ऐसे बचकाने बयान हरीश रावत जी दो जगह से पटकनी खाने के बाद भी अगर ऐसी सेखी बगाड़ेंगे तो फिर यहाँ तो कांग्रेस का नामो निशान ही मिट जाएगा। ऐसा काम क्यों करते हो, ऐसा बयान देना नहीं चाहिए उन्होंने।